सगराम जीर बांदू बजरे पीवे बेटो क्यों सगराम कहरे ऊंडी दे देनी ऊंडी दे देनी वेखिया का फूटोड़ा गेला कर आगा ने टोड़ अटे कुणरे बांधेला लख चौरासी जून में थरो रुलियों फिर ची जीवे संत के सगराम जीरे भांदू बजरे पीवे। सगराम दास जी महाराज स्पष्ट लिखे है कि भाई भगवान ने बोलने हालत खराब हो जाए लग चौरासी चूड़ में रुड़ियो फिर सी जीव जियान कोई गम्योड़ो हार फिरे ने भी प्रकार फिर तो फिर इधर कोई धनी नहीं बने लेकिन असली नाम की जगह लोगों के लागी ही जगह असली दिल और दिमाग को राम जी को भजन करो जियान गोपी चंद राजा भरतरी ज्ञान का मोटा मोटा भूप या राजपाठ सुख साहिबी सब चीजों को त्याग करो हो जरा भजन लिखे ए भक्ति कार मारगे ए भक्ति कार मारगे और गे लगी चोट काल के कर Thank you.
मार्ग और है लगी चोट कालजे करके जगंगे चोट लागी होड़ी वन ध्यान है केवे गोपीचंद जोगी हो गया लेली ना भगवान बाना अरे मेल जनाना छोड़ के डोडी में अलग जगाना छोर मचा रणवास में नहीं देखा पीछे मुड़ गए जद राजा गोपीचंद सन्यासदार गरम रवाना व्यादर रानिया दाश्यार हगली रोणु कोकणु चालू कर दिए बोले स्वामी जी थे घर छोड़ जाता रहे जरा को कहीं हो लेकिन वे लारा ने मुड़ रही गंदे के भाई लारा खाई हाल है हालत भाई बाजार में जावे तो हाथवारी घंटी घर करे जगह त्याग जोड़ ही हुए जर केवे बन बीज भरतरी भूप ने मारा ताक निशाना मौका पड़गा श्याम का गोरख का हो गया आना मरिया मिर्ग को जिंदा करो नहीं उदार धरो तेरा बना सिर भैया भरपसा करके एक समय राजा भरतरी मिर्गा की शिकार करवा वास्ते जावे और शिकार कर वापस आवाज गोरखनाथ जी मिर्गा बोले कहीं ले रहा है क्यों मिर्गा की शिकार करोड़ी है तू ही पकड़ जाता तीन पांच करे तो थारी कर दे देखो फोरी बात कौन कहे जगह में फोरो ज्ञान में तो फोरी बात कह दिया करे है लेकिन राजा भरतरी बोले मैं थारी शिकार कर लू लेकिन गोरखनाथ जी कहे भाई शिकार तुम्हारी कर ले जाए लेकिन मन मिर्गो बता किया उनको है जरा राजा भरतरी घोड़ी नीचे भटके देख लिया उनको है गोरखनाथ जी कहे शुभ दृष्टि मिर्गा ने एकदम जिंदो कर दियो राजा भरतरी ने ज्ञान हो रहा था आप तो खत्म कर वाला वो जिंदो कर वालो है घोड़ी नीचे उतर और गोरखनाथ जी का पग पकड़ लिया कि बाप जी मनी चेलो करो क्यों नहीं भाई चेलो कर वाल ना मामलो को नहीं थारमा हाल कई प्रकार का कीटाणु है एक कीटाणु नहीं मरे जीते बीमारी को इलाज कर जरा राजा भरतरी बोले बाप जी की कीटाणु मुरबा की दुआई जानो की हाँ थारे मेला में रानी पिंगला है बिन माँ केर भिक्षा लिया हमारी सेवा 24 घंटा उपलब्ध है राजा भरतरी भाई उपाय करे और भाई गोड़ा आपके मेला में जावे आंतरा रानी ने आवाज लगावे माजी ओ भिक्षा देवो जी की बात करो रानी पिंगला राजा हम ही देखियो आंखी आटी रात आ गिरा राजा आज अपन माखियान के वे जरा रानी बोले राजा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है हाल तो ब्याह गिरा नहीं घना दिन को नहीं हमारे हाथों की मेहंदी को नहीं उतरी फिर आज फैली थी आप मन माँ कह नहीं हरू कर दिया राजा भरतरी बोले आज आप हमारे माई हो आपने भिक्षा करो रानी पिंगला मन में विचार करो रे आप जियान की खूबसूरत रानी राजा के दो दो जगह की राजधानिया फिर अपन माखे बात भाई अच्छी वाली बात है रानी पिंगला बोले रे राजा ई बीच मन ही पहली मना कर दे तो ब्याह भी नहीं करो तो मैं भी मारी भक्ति सफल कर दी लेकिन अब तू ब्याह कर आज मन माखे वे रानी पिंगला राजा भरतरी ने समझावे और केवा लागी रे राजा इना तो मैं भी कुमारी रह जाती तो बढ़िया रहतो केवे अरे कुंवारी गोती रे
पीपल पूजे तीरा लागो हतले पीपले पूछती लागो मारे हथलेवा को पाप एक टापुरियो राजा हो तो कर तो उजीनी को राज बोले राजा एक टापुर हो जातो तो आपने दो दो जगह की राजधानी है ए राजधानी संभाल ले तो राजा भरतरी बोले देख रानी राजपाट सुख साई भी संसार का काम है मन तो आप भिक्षा देवो की बात करो माजी राजा भरतरी नहीं माने और रानी पिंगला ने बोले माजी आप तो भिक्षा देव जी की बात करो अब रानी मेला में उभी उभी दूजे है दूजता दूजता राजा भरतरी ने भिक्षा देवे है राजा भरतरी तो भिक्षा लेते हैं फट आपकी राजधानी रवाना हो जावे रानी कहवे रानी उभी मेल के माए कलपती काया थारा मर जा जो गोरखनाथ मेरा राज छुटवाया थरा उसका गोरखनाथ मर जाए जो मारा राजपाट सुख साई भी अच्छी तरह चालो जो कागे माई ने बाधा राल दी है अठीनो राजा भरतरी गोरखनाथ जी के द्वारे जावे लो महाराज आप भिक्षा गोरखनाथ जी मन में विचार करो अति खूबसूरत रानी ही रानी पिंगला के नयान को रूप हो के बा पानी पीती तो वो पानी है जो गला के माई को दूसरा दिश तो अति वह खूबसूरत रानी है गोरखनाथ जी मन में विचार करो
अति खूबसूरत रानी को त्याग कर दियो अब अटके तकते ही कोनी जन कहे जहां जावे धरत्री जहां जावे गोपी चंद राजा भरतरी आज मां को शरीर तकते कहे अमर कर लियो जन कहे सुल्तानी मगन बैराग ने तजदियो मुल्क बकारा देखो यूं मोटी बात सुल्तान बादशाह जको बकारा को बादशाह हो जगागन पावर को तो आपन बार राष्ट्रपति वेने जतो पावर हो और बकारा को बादशाह बकारा के पहले हिंदुस्तान में हो आजकल तो रूस में है पहले के वे हिंदुस्तान बहुत बड़ो हो जरा भी बादशाह ने ज्ञान किया नहीं होगा भी के एक नौकरानी ही दासी बिन क्यों के मारी सुख से जगह में थोड़ी साफ सफाई करा अब बा दासी साफ सफाई करवाने की जो मन में आई रहे अब बादशाह की सहज है साफ सफाई तो बाद में कर लेवा दो चार पांच मिनट हो जावा तो कहीं फर्क पड़े सुख से यानी सोने उठने की सेहत जरा दासी यान को मन में विचार कर बादशाह की छेज में हैदार सोएगी और बादशाह की छेज की कोई प्रकार की कमी को नहीं अंदर सेंट की छिड़कीड़ा पड़ता ही दासी ने नींद आएगी बादशाह मन में विचार कर रहे पांच मिनट को काम और दासी हाल तक ही को नहीं आई अति कहीं साफ सफाई करे बादशाह खुद जार देगा ना दासी दागर नींद में होती बादशाह ने फट रीस आएगी देखो कन्नर समान आमगरी हुए ने जगंद रीस गिनी बेगी आवे है और समान आमगरी नहीं हुए जगंद रीस अवे ही को नीर जा आजावत गुणकार ही कौन करे देखो आप भोग तो बोली हुए जो कांकड़ में बाजार में बिन काम करे लाग जा भूख सुवाई को बोलो कौन हुए और रीस सुवाई को होशियार करने वाले थोड़ो तेज हुए जगह पर कौन आवे है तो बादशाह ने दासी पर रीस आई और नीना मुंह खड़ी कर हुआ मोराई कोल्डा मेल ना रू कर दिया दासी आपकी हंसनो चालू कर दियो बादशाह मन में विचार करो रे यान कोई भैंस न ढोकन तो अड्डा बा लाग जावे यार आ तो हंसे है बादशाह बीच में रुक रे बोले दासी इतना हंसो कहीं बात कहे को बादशाह ई बात को कारण मत पूछ क्यों इतना आदि को ना मापे बता क्यों बताऊं जरा थाली शेज के ऊपर दसी एक मिनट नींद आई थे गिनती का 20 कोल्डा मारे मेल दिया थे थांकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी शेज मेरे शोक मौज में थांके कत्ता कोल्डा लागी थे थांकी खाता भाई देखो बादशाह ने ज्ञान हो रहे 10 मिनट के मायने 20 कोल्डा लग गया है आपा तो गांडा खता है दिन बर्बाद कर दिया शेज मेरे शोक मौज में जगह दिन के दासी को खटको लागियो जो पूरा मुल्क को त्याग कर दियो सुल्तानी मगन वैराग ने तजदियो मुल्क बखारा अरे रोज पाल की पोड़ता पैरा में लटके घरा अरे नहीं खाया ओदर भर के ओदर ना पेट में के रोजिंदा एयर कंडीशनर में रे बड़ो आदमी नहीं खाया ओदर भर के भक्ति का मारे गोर है लगी चोट काल जे करके ईयान की जगह के चोटों लागी बाकी बात कुछ अलग रहे देखा देखी तो अगला राम राम कर रही है भजन करे आपने मारवाड़ में रिवाज है के कटे कान मोकान जाबा को काम पड़े जरा पांच सात लोग इकट्ठी उड़ जाए करे रोबा की कोशिश तो अगली करे पण जगी के लागती में हुए जगी को रोज न्यारो हुए बाकी थकली राग रला वाली है पे तो दा पर जीम रावे भेंशिया उ जो निसंग हंसी मजाक करती आवे बने की टेंशन कोन बे रोवे तो भई है लेकिन दा पर जीम निसंग मजाक करती पाछी आई लेकिन जगी लागती में हुई बिन नहीं तो कोई मजाक हो जाए नहीं कोई जीमण भवे पर चुपचाप आवे क्यों भी की सुरता भी कमाई न रेवे तो भी प्रकार ज्ञान की जगह लोगन के लागे जगह नहीं है जो भगवान की प्राप्ति हुए जर केवे है बाजिंद का ऊंट गुजर गया लोग केवे सब मुआ नक्सक बिगड़ा नहीं बाजिंद को इतर जवा उड़ने वाली चीज उड़ा सेलानी सुआ करी तपस्या जोर की मौत काल से डर के बाजिंद जी महाराज की बरात जावे पुराना जमाना के मायने बरात जावे को साधन कहीं हो ऊंट ते बार जगह एक्सटेंड वेने जगह साधन को नहीं आ तो बरात में चलता चलता एक ऊंट खत्म हो गया बाजी जी महाराज के महाराज ताके बरात में ऊंट खत्म हो गया बाजी जी महाराज आर भी ऊंट न देख रही और कहीं खत्म हो एक टांगड़ा तैयार है पूंछ तैयार है मुंडो तैयार है सब कुछ ठीक है कहीं मरियो कि बाप जी उड़ने वाली चीज जी उड़ा सेला ने छुआई कि अंतरात्मा जी की विलन होगी बाजी जी महाराज कह रहे कि जरा मरवा में तो ही टाइम लगे कि बाप जी जरा कहीं गाड़ा जूते है कहीं जरा बाजी जी महाराज क्यों जरा मरण तो अपन नहीं पड़ेगी क्यों आ तो निश्चित है मरण तो पड़ी किधरों ब्याह भी की खातर करा आवा के देख लियो तंगो बिचार वे आपको ब्याह करनो कैंसिल कर दियो और बरात में वापस घर ही ले यार भगवान की भक्ति करनी चालू कर दो आजकल तो लोग एक रात की नींद लेनी कैंसिल कौन करे
तो ब्याह कैंसिल कर भक्ति करनी चालू कर दे। बाजिंद का ऊंट गुजर गया लोग के वे सब मुआ मुआ नौ मरबा को है। अरे नक्सक बिगड़ा नहीं बाजिंद को इजरज हुआ उड़ने वाली चीज उड़ा सेनानी सुआ वो करी तपस्या जोर की मौत काल से डर के। अरे भक्ति का मारे गौर है लगी छोड़ काल दे करके। और क्यों पीपो जी जड़ में कूदिया रे ऐसी धारी डिटताई अब तो बगना चेत जा दिन है तेरी कविता। अरे बिन चेतिया भूडी वे कुछ जाओ सुब्रत करके। भक्ति का मार्ग और है लगी छोट करके करके। भाई एक हमालक नु बोरी निकमा 5 रुपया लेवे है आप 24 घंटा हमाली करता फिरा की आपने जो शरीर की तो आप थोड़ो बहुत ही एक घड़ी आधी में पुण्याद। अरे तुलसी संगत साध की रे करोड़ कट जाए अपराध। तुलसीदास जी महाराज लिखे है कि भाई आ सत्संग मिल जावे तो कहे के आदमी का करोड़ों है जगह पाप कट जावे। लेकिन त्याग करिया भी ना और कुछ गमाया भी ना कुछ मिले नहीं। देखो लोग बाग यान की चीजा गमा दी जबकि आप कल्पना ही नहीं कर सका। राजा चुड़ावत जो को शादी कर घर में आयो पहली बार जो को शादी कर घर में आवे मैं की औरत घर में प्रवेश करो जा पहली राजा के कोई न्यू तो आई कोई राजा साहब लड़ाई होगी रहा अपने पदार्थ पड़ी। जरा राजा मन में विचार करो रे आज ही तो ब्याह हुयो आज ही ब्याह कर घर आपने औरत आई है फिर आज जो आपने लड़ाई को न्यू तो आई को अब लड़ाई के मायने जीव तो आवे या मरोड आवे कहीं गारंटी है। जरा राजा रोवाना होगा की कोशिश करी मन में विचार करो रानी बात तो कर ले जरा जाय। और बोले रानी साहब मारे तो लड़ाई को न्यू तो आई को मैं तो लड़ाई में जाऊं आप राज्य को सीरीजो पर छोटी मोटी कोई सेनानी है जो मन भेजो सही रहे। रानी समझदार ही रानी मन में विचार करे ओ लड़ाई सही को लड़े ओ बाहर ही आप हूं जो इतनी बात करे। जद रानी मा तो काट थाल में मेल दिए ओ ले जा जर के वे छुड़ाऊ तो मांगी सेनानी सर काट दे दियो सतराणी मा तो काट दे दियो जगह का नाम संसार में हो यान का जगह लोग त्याग करियो हो जिंदगी दोबारा नहीं आवे लेकिन मगा आज संसार में नाम है। गणी रैणी आई गणी रैणिया मरी गणा राजा मरिया लेकिन जगह कुछ त्याग करियो मां को संसार में नाम है। यह गणा ही है सब ने दान का ठाव आपको टेमो टेमो रोटियां खावे मस्त निशंग रहे लेकिन कुछ संसार में कर दिखायो है जगह को संसार में ना हुई है।